कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है और जब भी आप जल्दी में हो तो आप फटाफट इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये रेसिपी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं आज फटाफट धनिए की चटनी। धनिए की चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ा धनिया लिया है, एक टमाटर लिए है, चार लहसुन की कलियाँ ली है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और एक हमने प्याज लिया है, साथ हमने मिर्च ली है, एक नींबू लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया को हम मिक्सी के जार के अंदर डाल लेते हैं। प्याज टमाटर को हमने काट के डाल लिया है, साथ में हम डाल देते हैं अदरक का छोटा टुकड़ा। यहाँ पे हम हरी मिर्च को भी डाल देते हैं और साथ में डाल देते हैं लहसुन की कलियाँ भी। आधा चम्मच हम डाल रहे हैं जीरा और डाल रहे हैं हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप हटा भी सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्च डाली है। लाल मिर्च हम थोड़ी सी तीखी बना रहे हैं चटनी को, इसलिए यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल रहे हैं। आधा छोटा चम्मच डाल रहे हैं नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और आधा छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं सेंधा नमक और आधा छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं चीनी। चटनी के अंदर हमने जो चीनी डाली है, चीनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चटनी के अंदर, आप एक बार ज़रूर डाल के देखना। ये चीनी इस रेसिपी का सीक्रेट है, आप एक बार ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और अब डालेंगे हम नींबू का रस। नींबू का रस हमने डाल दिया है, साथ में ध्यान रहे नींबू के बीज को आप हटा दें नहीं तो चटनी का टेस्ट खराब हो सकता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा गिलास पानी और अब इसको हम पीस लेते हैं। चटनी हमारी बनके तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं अलग बाउल में। और ये देखिए हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। आप इसको सैंडविच के साथ या फिर रोटी के साथ, परांठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फटाफट बनने वाली रेसिपी है, न ज़्यादा समय लगता है और खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती है। तो आप एक बार इस चटनी को ट्राई ज़रूर करें, आपको पसंद आएगी। और साथ में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।